CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम मदारी आलेख मोहिनी राव का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज भी मदारी भैया आ रहे हैं। क्यों दोस्तों, तुम सब इंतजार कर रहे हो ना मदारी भैया का? अरे अभी तक मदारी भैया नहीं आए। मदारी भैया, मदारी भैया, देखो दोस्तों मदारी भैया आ रहे हैं। जोर से ताली बजाओ। बच्चों के खेल, सच्चों के खेल, खेल 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 सच्चे बच्चों के खेल। आज तो बड़ी देर कर दी मदारी भैया। क्या बताऊं बिटिया रानी, रास्ते में नानू मिल गया था। नानू? कौन नानू? नानू मेरे गांव का लड़का है, बेहद आलसी, काम से जी चुराता है और वो अपनी नानी के पास रहता है। उसकी नानी तो उसे खूब प्यार करती होगी जैसे मेरी नानी करती है। प्यार तो करती है लेकिन डांटती फटकारती भी बहुत है, वो काम काज जो नहीं करता। तो बेटा एक दिन नानी ने डांटा, कहने लगी काम नहीं करेगा तो आज रोटी नहीं दूंगी और अगर काम करेगा कुछ पैसे हाथ में लेकर लौटेगा तो चूरमा खिलाऊंगी। हाँ मतारी भैया, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है चूरमा। अच्छा फिर नानू की बात सुनाओ ना। तो फिर नानू काम की तलाश में बाजार की ओर चल दिया। वहाँ उसने कई दुकानों पर पूछा पर कहीं उसे काम ना मिला। सब जानते थे कि नानू बड़ा आलसी है। आखिर एक आदमी मिला जो कुली ढूंढ रहा था। उस आदमी ने एक हंडिया भरकर तेल खरीदा था। नानू ने पूछा कुली चाहिए सेठ, कुली चाहिए सेठ। उस आदमी ने कहा हाँ, ये हंडिया मेरे घर तक ले चलोगे, चार पैसे मिलेंगे। नानू राजी हो गया? बेचारा नानू, अरे राजी ना होता तो और करता भी क्या। उसने कभी एक पैसा भी नहीं कमाया था। उसने हंडिया सिर पर रखी और चल दिया सेठ के साथ। फिर नानू बहुत खुश था कि चार पैसे मिलेंगे। आहा, बस उसने अपने मन में सोचना शुरू कर दिया। उसने चार पैसों के लड्डू तो नहीं खा लिए? नहीं नहीं, उसने सोचा चार पैसे का साग खरीदूंगा और साग बेचूंगा, उसमें जो मुनाफा होगा उससे फल लाकर बेचूंगा और फल बेचकर खूब खूब पैसे कमाऊंगा और जब खूब पैसे कमा लूंगा तो मुर्गा और मुर्गी पालूंगा। और
और मुर्गी के अंडे बेचूंगा। अंडे बेचकर और ढेर मुर्गियां खरीदूंगा। अरे वाह 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 वा। तुम तो नानू के मन की बात बिल्कुल समझ गई बिटिया। नानू इसी तरह सोचता गया कि कुछ दिन बाद काफी पैसे कमा लूंगा तो एक बढ़िया सी बकरी खरीदूंगा और बकरी खूब दूध देगी। बकरी का दूध बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। नानू ने ऐसा सोचा, खूब पैसे कमा लूंगा तो एक गाय खरीदूंगा। गाय का दूध तो ज्यादा महंगा होता है, उससे खूब और पैसे कमाऊंगा। फिर दो चार गाय और खरीदूंगा। दूध के अलावा मक्खन और घी भी बेचूंगा और थोड़े ही दिनों में मैं मालदार हो जाऊंगा। तो नानू बहुत अमीर होना चाहता था। हाँ, नानू यही सोच रहा था। फिर उसने सोचा कि जब बहुत रुपए हो जाएंगे तो एक अच्छा सा मकान बनवा लूंगा, शादी भी कर लूंगा। शादी की बात सोचते ही नानू को लगा कि जैसे वो एक दूल्हा बनकर सेहरा बांधकर घोड़े पर बैठा बारात लेकर जा रहा है और बाजे बज रहे हैं। अरे वाह 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 वा। नानू सोच रहा था कि वो शान से घोड़े पर बैठा है और घोड़ा टकढूम 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 चला जा रहा है। इतने में घोड़ा रुक गया। उसने घोड़े को एड़ लगाई और गर्दन इतनी जोर से झटकी के हाय तेल की हंडिया गिर गई। हाँ, तेल की हंडिया गिर गई। नानू के कपड़े तेल में भीग गए। उस आदमी ने देखा कि सारा तेल गिर गया तो उसने नानू की खूब मरम्मत की, खूब मरम्मत की, खूब मरम्मत की। तेल से सने कपड़े पहने रोता रोता घर पहुंचा। नानी ने घबरा कर पूछा, अरे ये क्या हुआ रे? हाय हाय हाय, अरे गया था मजदूरी करने और ये क्या कराया? बस पूछने पर नानू ने सारा किस्सा नानी को सुनाया। नानी को तो बहुत गुस्सा आया होगा। अरे बहुत, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने किसी से एक नाव मांगी और उस पर अपना सारा सामान लादकर नानू को वहीं छोड़ जाने को तैयार हो गई। तो बिटिया नानू की नानी की नाव चली। ये तो बहुत मजेदार कहानी थी। कहानी तो सुना दी मगर गीत का क्या हुआ? क्या हुआ, क्या मतलब? अरे अभी लो। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, चिड़िया रानी
बड़ी सयानी खाती दाना पीती पानी और खाती दाना पीती पानी चिड़िया रानी बड़ी सयानी चिड़िया रानी बड़ी सयानी खाती दाना पीती पानी खाती दाना पीती पानी चिड़िया रानी बड़ी सयानी चिड़िया रानी बड़ी सयानी चहक कर गाती चूचू को पकड़ो तो चूचू को पकड़ो तो फुर से उड़ जाती चूचू को पकड़ो तो फुर से उड़ जाती फुर से उड़ जाती फुर से उड़ जाती चिड़िया रानी बड़ी सयानी चिड़िया रानी बड़ी सयानी खाती दाना पीती पानी और खाती दाना पीती पानी चिड़िया रानी बड़ी सयानी चिड़िया रानी बड़ी सयानी खाती दाना पीती पानी। वाह मदारी भैया बहुत मजा आया। अभी मत जाओ, मैं तुमको चूरमा खिलाऊंगी। अरे नहीं 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 बिटिया, आगे बच्चे जो मेरी राह देख रहे होंगे, अगर नहीं पहुंचा तो वो मेरा चूरमा बना डालेंगे। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।